हम बात नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की करते हैं तो ये कहलाता है प्रोसेस विच नीड एक्सटर्नल असिस्टेंट टू स्टार्ट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इट इज़ रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इट इज़ यूजली एंडोथर्मिक इन नेचर. इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल रिवर्सिबल एंड इमेजनरी प्रोसेस. एग्जाम्पल क्या होती है? पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल. यानी अगर हमें पहाड़ी पर पानी चढ़ाना है तो भाई ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है ना. जो नॉन नेचुरल है तो समझो नॉन स्पॉन्टेनियस है. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड से हॉट बॉडी जाती है. यूजली क्या होता है, हमेशा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है ना कि जी हॉट से कोल्ड बॉडी जाती है. तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. या देखो यहाँ पर हम जो डेल जी के हिसाब से वैल्यू लेते हैं, डेल जी किस फ्री एनर्जी होता है, अरे ये पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और अगर डेल जी नेगेटिव है तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ये बात ध्यान में रखो हमेशा. थैंक्स.